दोष का समझ आना एक बात होती है और जब तुम वो प्रवृत्ति कर रहे हो तब वो दोष दिखना वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। कुल मिला के 18 प्रकार के ही दोष हैं, लेकिन तुम किसी भी दोष की पूरी क्लींजिंग नहीं करते हो ना, कंप्लीट क्लींजिंग, इसलिए वो इधर उधर से अलग अलग ढंग से तुम्हारे अंदर आते हैं। इसलिए जितना तुम इस द्वैत जगत के अंदर बाहर गुण देखने में अपनी बुद्धि को लगाओगे, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि का दूसरा पार्ट अपने दोष देखने में लगेगी। दोष से निवृत्त होना है तो उसका पूरा ना स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी है। मुमुक्षु वही है जो दोष देखने में अपक्षपात होता है, अपना, दूसरे का नहीं, अपना दोष देखने में जो इम्पार्शियल होता है, अपक्षपात होता है, वही मुमुक्षु होता है। लेकिन तुम्हें तुम्हारा दोष दिखेगा कब? अब ये बहुत रहस्य की बात है। देखो, दोष का समझ आना एक बात होती है और जब तुम वो प्रवृत्ति कर रहे हो तब वो दोष दिखना वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। ये तो एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? ज्ञानी के समागम से तुम्हें ये तो समझ में आ जाएगा कि इसे दोष कहते हैं, ये नहीं करना, लेकिन वो दोष प्रवृत्ति काल में पकड़ में क्यों नहीं आता? उसका सीधा सीधा कारण तुम बड़े बड़े अक्षरों में अपनी डायरी में लिखना इस बात को बाद में, आफ्टर द सत्संग, पहले से ध्यान से समझो। तुम्हारे अंदर ये टाइप की बुद्धि ही तभी बनेगी, तुम्हारे ब्रेन का टेक्सचर ही दोष देखने वाला, अपने दोष देखने वाला तब बनेगा जब तुम ज्ञानी के गुणों को देखकर उसके प्रति अहोभाव से भरते हो। आई रिपीट, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों हमारे शास्त्रों में ज्ञानियों के गुणगान करने को कहा, या इनफैक्ट कहें तो ये दो महाकाव्य रामायण और महाभारत के अंदर कृष्ण और राम की, राम और कृष्ण की जो बातें हुई है उसमें उनके गुणग्राम ही तो किए हैं, और क्या किया है? ये तो तुम्हारी कुटिल बुद्धि ने उसके साथ उल्टा सीधा कुछ जोड़ दिया। वरना हमेशा आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन हो, हमेशा ईश्वर की या परमात्मा की गुणग्राम करने की ही बात करता है। वो क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि जितना आप महत्पुरुष के गुणगान करोगे, ज्ञानी पुरुष के गुणग्राम करोगे, भगवत और ईश्वरीय जैसे ईश्वरीय चेतना का आप गुणग्राम करोगे, गुणों की महिमा करोगे, अहोभाव से भरोगे, उतना उतना तुम्हारे ब्रेन का टेक्सचर ऐसा होता जाएगा, तुम्हारे ब्रेन का फैब्रिक ऐसा होता जाएगा, तुम्हारे ब्रेन की क्वालिटी ऐसी होती जाएगी कि जब तुम्हारा दोष हो रहा है ना, उस समय तुम अपने दोष को पकड़ पाओ। ये बात समझ में आती है? बिकॉज ब्रेन वर्क्स ऑन द फंडामेंटल फिनोमिना ऑफ ड्यूअलिटी, द्वैत के प्रिंसिपल पर ब्रेन काम करता है। ब्रेन में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, देर आर नो कलर्स, आइदर डार्क और लाइट, बस इतनी चीज पता है तुम्हारे ब्रेन को और कुछ नहीं पता। इसलिए जितना तुम इस द्वैत जगत के अंदर बाहर गुण देखने में अपनी बुद्धि को लगाओगे, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि का दूसरा पार्ट अपने दोष देखने में लगेगी। अब तुम ये कहो कि हम सभी के गुण देखने लग जाएं, उससे काम नहीं होगा, ये भी याद रखना। आज अब नीलेश प्रभु को लगे अच्छा गुण देखने हैं, ओके कल से मैं अपने सभी स्टाफ के अंदर ना गुण देखने लग जाऊंगा। सभी स्टाफ में तुम गुण देखो, अच्छी बात है, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। तुम्हारे सभी स्टाफ अभी कौन से इग्नोरेंस की लेवल पर है, अज्ञान की लेवल पर है। यहां पर भेद चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में, कॉन्ट्रास्ट चाहिए। कॉन्ट्रास्ट समझते हो तुम? कॉन्ट्रास्ट यानी क्या बोलते हैं? एकदम विरोधी चाहिए, एकदम विरोधाभास भी नहीं, विरोधी चाहिए कि एकदम अपोजिट चाहिए। ज्ञानी के गुण देखोगे तो अज्ञानी, यानी तुम जो अज्ञानी हो, तुम्हें अपने दोष दिखेंगे। तुम अज्ञानी के गुण देखोगे, उससे तुम्हें अपने दोष नहीं दिखेंगे, ये भी याद रखना। कहीं कल से तुम लोगों में इतनी गुण दर्शन की दृष्टि हो जाए तो तुम कहो कि कल से तो हम सब, हमें मेड में भी गुण दिख रहे हैं, हमें सब किसी में गुण दिख रहे हैं, उससे काम नहीं होगा। देखो, नाउ यू हैव टू बी सिलेक्टिव, तुम्हें सिलेक्टिव होना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ और कितना लाउड एंड क्लियर बोल रही हूँ तुम्हें। कहीं कोई आज ऐसा व्यक्ति आया होगा ना सत्संग में जो पहली बार ये सत्संग देख रहा है, उसे तो मेरे अस्तित्व पर भी शंका हो जाएगी कि ये श्री गुरु कैसे है कि लोगों को कह रहे हैं कि 5 महीने तक तुम मेरे गुणग्राम करो,
लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहती हूँ, उनको जो सोचना है सोचने दो, फिर भी मैं तुम्हें कहती हूँ कि 5 महीने तक अगर तुम ज्ञानी के गुण के स्वाद में हो, महिमा में हो, वेदन में हो, उनके एक एक क्वालिटीज़ का विचार करके तुम्हारे यहाँ करंट आ रहा है, अगर ऐसा होता है तो अपने आप तुम्हारी अपने दोष देखने की जो वृत्ति है ना, वो स्वाभाविक रूप से खिल कर बाहर आएगी। क्योंकि मैंने कहा, समझना एक बात है और दोष का दिखना दूसरी बात है। कितनी बार होता था जब हम लोग पहले दोष लिखने को बोलते थे, तो प्रकाश प्रभु आप पहले कितनी बार बोलते थे ना कि प्रभु मुझे दोष समझ ही नहीं आता। कितने पहले तुम लोग भी आते थे, मुझे बोला करते थे कि प्रभु दोष क्या होता मैं समझ ही नहीं आता। वो तो धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोष अब समझ में आए, पर मैं तुम्हें कहती हूँ तुम्हारे जीवन में ज्ञानी की महिमा बढ़ी है, इसलिए तुम लोग दोष वृत्ति अब देख पाते हो। लेकिन द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट कि हमारा मस्तिष्क हमेशा द्वैत के सिद्धांत पर काम करता है। इनफैक्ट 3 दिन बाहर जाके खाना खा के आओगे ना रेस्टोरेंट का, 4th दिन तुम्हें घर का सादा नमक वाला पराठा और चाय पीना अच्छा लगेगा, लगता है कि नहीं? तुम 4 दिन घर से बाहर जाओगे ना तो 5वें दिन तुम्हें घर स्वीट होम, होम स्वीट होम लगता है ना, हम आके बोलते हैं ना, बिकॉज ब्रेन ऑपरेट्स ऑन दैट लेवल। तुम उधर गए कि तुम्हारा पेंडुलम इधर आएगा ही आएगा, तुम इधर गए पेंडुलम उधर जाएगा ही जाएगा, निश्चय रखना इस बात का। तो यहाँ पर दोष देखने से दोष का विचार करना है तो कब तुम्हारे को दोष दिखेगा ही, कब? तब दिखेगा जब ज्ञानी कोई तुम्हारे जीवन में गुणों को देखते हुए महिमा, फेक नहीं, फेक नहीं, यहाँ पर नहीं, तुम्हारे यहाँ पर महिमा होनी चाहिए, तुम्हारे हृदय में करंट आ जाए, क्या ज्ञान है, क्या ध्यान है, क्या दशा है, क्या प्रेम है, क्या बालकपना है, ये सारी चीज़ें देख देख कर, विचार विचार कर तुम्हारे हृदय में जितना करंट आएगा उतना तुम्हारा ब्रेन का टेक्सचर बदलता जाएगा। होता क्या है, यूजुअली लगभग तो दोष का अदर्शन ही होता है, दोष दिखता ही नहीं हमें। अगर कुछ ऐसी घटना घटती भी है तो उसके अंदर हमें दूसरों का ही दोष नज़र आता है, और या फिर अपने दोष को हम स्वबचाव में लग जाते हैं, यानी जस्टिफाई करने लग जाते हैं। यही घटना होती है, तुम्हारे दिमाग का जो फैब्रिक है वो ऐसा है ना कि अपने आप ये स्वबचाव का भाव अपने आप ही तुम्हारा, जिसे तुम लोग अपनी भाषा में ना हाजिर जवाब ही कहते हो, वैसे तो बड़ा हाजिर जवाब है, हाजिर जवाब नहीं है ये, मोक्ष मार्ग से कोसों दूर है ये आदमी, कोसों दूर। तो दोष का अदर्शन रहता है, या दोष का दूसरों का दोष दिखता है, या दोष दिखता भी है तो स्व बचाव में जस्टिफाई करने में हम लोग लगे रहते हैं। दिस इज नॉट द पाथ। पाथ क्या है? दोष से निवृत्त होना है तो उसका पूरा ना स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी है। सबसे पहले तो ये बात तुम लोग डायरी में लिखोगे अपनी, कि जब भी बाद में ये बात लिख लेना कि दोष दिखेगा ही तब जब ज्ञानी के गुणों की महिमा होगी। और वो गुण खाली ज्ञान गुण नहीं है, उनके जीवन में हजारों गुण है, तुम देखोगे ना। कल ही मैं गौतम प्रभु आपसे बोल रही थी ना कि ये ऐसी सब बातें भी स्मरण में आके अंदर वेदन हो ना तो कहा जाएगा तुम्हें ज्ञानी की महिमा है। और ज्ञानी की, हाँ ये भी क्लियर रखना, जब तुम ज्ञानी की महिमा करते हो उस कारण से तुम्हारा चित, अब तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी बुद्धि अब दोष देखने लायक बनती है, वो पात्रता ही तुम में अब आती है। नाउ स्टार्ट्स अ जर्नी, स्टेप बाय स्टेप, 7-step जर्नी। क्या होता है समझो इस बात को। सबसे पहले जैसे ही तुमसे कोई दोष हो रहा है या हुआ है, जस्ट वेरी फास्ट, 2 दिन बाद 4 दिन बाद नहीं, तुम्हें दोष हुआ तो या तो दोष होते होते ही तुम्हें उसका दर्शन हो गया, या दोष खत्म करके बैठे थे और तुम्हें दर्शन हुआ, ऐसा समझो 48 मिनट के अंदर अंदर, 48 मिनट्स के अंदर अंदर तुम्हें उस प्रवृत्ति में अपना दोष पकड़ में आ जाए तो यू हैव टेकन द ट्रैक। तुम इस 7-step जर्नी के ट्रैक पर आ गए हो। 7 steps बताऊंगी अब मैं तुम लोगों को कि किस तरह से दोष से आज़ाद हुआ जाता है। तो पहला स्टेप क्या है, दोष का दर्शन प्रवृत्ति के समय में या 48 मिनट के अंदर अंदर, 48 मिनट्स में तुम्हें तुम्हारा दोष
पकड़ में आ जाए, मतलब तुम सोचो तुम कितने कनेक्टेड हो अपनी लाइफ में, तुम इधर उधर बिखरे नहीं हुए। मेरे से कभी भी कोई दोष हो जाता है तो मोस्टली तो मैं जानती हूँ मैं बोलते बोलते ही अटका सकती हूँ अपने आप को, कि अगर मैं थोड़ा ऊंचे वाले सुर में भी बोलने जा रही हूँ या कोई यूजलेस बात बोलने जा रही हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस बात की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आधे वाक्य में भी खुद को अटका लेती हूँ, इतनी सजगता होती है। तो ये सजगता आई कहाँ से है, तो ज्ञानी के गुणों की महिमा करके आई है, ये बात पक्की है। लेकिन अब वो दोष दिखा, दोष दर्शन हुआ, उसके तुरंत बाद दोष का स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि हम तो इमीडिएटली दूसरों पर डालने की आदत है ना हमें, या स्व बचाव की आदत है, जैसा भी बताया। तुम्हें दोष दिखा, तुमने नया प्रभु रजिस्टर किया, कह रहे हाँ मुझसे गलती हो गई है, मेरे को ड्राइवर को भेजना नहीं चाहिए था, दोष दिखा भी, अब जस्टिफाई करने के बदले या उन दूसरे साधक प्रभु का दोष देखने के बदले तुम्हें इमीडिएटली उसको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं नहीं ये मेरी ही गलती है। और दोष का स्वीकार कब होगा पता है तुम्हें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी लिखना अपनी डायरीज में। दोष का स्वीकार तभी होता है कि जब भी कोई दोष की घटना घटी है ना, तो उस घटना में 2-4-6 लोग इन्वॉल्व होते हैं, आप थे, वो साधक था, ड्राइवर था, मैं थी, सब लोग इन्वॉल्व थे। तो दोष का स्वीकार तब होगा व्हेन यू सब्ट्रैक्ट एवरीवन फ्रॉम द सीन। ये बात समझ में आती है, जब तुम निकाल दो, शंकर को भी हटा दो, वो साधक को भी हटा दो, मेरे प्रति के भक्ति भाव को भी हटा दो, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट एवरीवन फ्रॉम द सीन, देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट योर पार्ट ऑफ मिस्टेक। तो जब भी दोष होता है ना, तो उसको दोष दर्शन और स्वीकार के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, मिनी स्टेप, सब्ट्रैक्ट एवरीवन एल्स। तीसरा, दोष का पश्चाताप, उसका दुख लगना चाहिए। जिसका दुख लगा होगा ना, वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। तुम सॉरी तो बहुत आसानी से कह देते हो, लेकिन बिना दुख लगे तुम सॉरी कहते हो ना, इसलिए यू आर बाउंड टू मेक दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तुम बार बार वो मिस्टेक करते हो, थोड़े टाइम पहले ही नया प्रभु आपसे वो गलती हुई थी, फिर वापस थोड़े टाइम में आपसे वो गलती हुई। क्यों वो गलती हो रही है बार बार? क्योंकि सॉरी तो कहा लेकिन अंदर दुख नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। वही मुल्ला जी का, अभी ना मैं मुल्ला जी की किताब पढ़ रही थी, उनका घोड़ा एक दिन खो गया, तो एक दिन पहले ही ना वो घोड़े की नाल बनाने के लिए, नाल पता है वो पैरों में लगाते हैं जो, तो वो लगाने के लिए गए थे, तो घोड़ा खो गया, तो उनको लगा हो सकता है वो जहाँ नाल लगवाई थी ना उसकी दुकान पर गया हो, चलो मैं उससे पूछ कर आता हूँ। तो वो उस दुकान पर जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि क्या मेरा घोड़ा यहाँ आया? कहते क्यों, कौन सा घोड़ा आपका? बोले कि कल जिसके पैरों में मैंने वो सैडल बोलते हैं ना शायद, सैडल लगाया था, तो वो मेरा घोड़ा यहाँ आया तो नहीं है कहीं? कहते अरे मुल्ला जी, तुम्हें इतना नहीं पता कि जहाँ से घोड़े को दुख मिला है ना, वहाँ वो कभी भी नहीं आएगा वापस। यही सीन है, जिस दोष का तुम्हें दुख लगेगा ना, वो दोष कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन ये घोड़े में बुद्धि है कि जहाँ दुख लगेगा वहाँ पर वो कभी दोबारा, जिसने घोड़े को मारा हो हंटर से, घोड़ा उसके पास जाएगा कभी? इतनी बुद्धि घोड़े में भी है, लेकिन हम लोगों में ये बुद्धि नहीं है, इसलिए हम लोग दोष देखकर उसका खेद नहीं करते। जहाँ तुम उसके पश्चाताप से जुड़ोगे ना, पश्चाताप ते पश्चाताप ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, यानी ठीक है हो गया हो गया, तुमने गलती से ड्राइवर को भेज दिया, लेकिन अब उसका दुख लगना चाहिए। और जहाँ दुख लगेगा ना, जिस दोष के रेफरेंस में, वो दोष वापस नहीं आएगा तुम्हारे पास। जैसे वो घोड़ा नहीं जाता ना कभी नाल वाले के दुकान पर, ऐसे ये दोष रूपी घोड़े भी ना कभी तुम्हारे चित्त पे वापस आते नहीं, यदि तुम्हारे चित्त में दुख का वेदन हुआ हो तो। इसलिए थर्ड स्टेप कहते हैं, उस दोष के प्रति दुख लगना चाहिए, दुख की फीलिंग होनी चाहिए। अब तुम एक रोने लग जाओ, 3 घंटे तक रोते रहो, वो नहीं कह रही मैं, दैट फीलिंग इज हेयर। कई बार तुम्हारा रोना ना, अभी बीच में नया प्रभु आपसे कुछ टूट गया था घर में, तो आप पूरा दिन रोती रही थी, मेरे साधना रूम का ही कुछ टूट गया उनसे, तो वो कहते हैं कि पूरा दिन रोती रही। अब ये रोने का कारण पश्चाताप भी हो सकता है, और ये रोने का कारण भय भी हो सकता है कि कोई मुझे डांटेगा, कोई मुझे कुछ बोलेगा, तुम इस कारण से भी तो रो सकते हो। यस और नो?
नामत को, हाँ आधी बार तो हम भय से ही रोते हैं या इसलिए रोने लग जाते हैं कि दूसरा हमें सिंपथी दे इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग टू अस। तो ये गड़बड़ मत करो, तुम्हारे आंसू दुख के होने चाहिए कि अरे इतनी अजागृति हुई कैसे मेरे से। प्रभु हमें हर पल हर कदम जागृत कर रहे हैं और हम इतनी छोटी छोटी चीजों में भी बेहोश है। जो बाहर दिख रही है उसमें भी बेहोश है, तो जो अंदर नहीं दिखती उसमें होश कहां से आएगा। इसलिए दोष के प्रति का दुख होना अनिवार्य है। टेक योर टाइम, मैं नहीं कह रही तुम्हें दो दो घंटे सत्संग देखो। तुम बैठो, तुमसे कोई भी दोष हुआ है तो सबसे पहले दर्शन किया, फिर स्वीकार किया, उसके बाद उसका दुख की वेदना अंदर में आने दो। हड़बड़ी मत करो। कुल मिला के 18 प्रकार के ही दोष हैं, लेकिन तुम किसी भी दोष की पूरी क्लींजिंग नहीं करते हो ना, कंप्लीट क्लींजिंग, इसलिए वो इधर उधर से अलग अलग ढंग से तुम्हारे अंदर आते हैं। सो आई एम टेलिंग यू द कंप्लीट पाथ ऑफ इरेडिकेशन। इरेडिकेशन यानी जड़ मूल से उखाड़ देने का मार्ग बता रही हूँ। पहला दोष का दर्शन, दूसरा दोष का स्वीकार, तीसरा दोष के प्रति पश्चाताप, दुख की वेदना, चौथा उस दोष से निवृत्त होने की इच्छा, चौथा उस दोष से मुक्त होने की इच्छा। कई बार हम दुख तक भी पहुंच जाते हैं कि हाँ बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम्हें ना उससे मुक्त होने की इच्छा नहीं होती। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। आप ऐसा कह के ना उस दोष को वहीं पर अटका देते हो। अरे नहीं, तुम में तो ईश्वर तत्व है, तुम तो अनंत परमात्मा जैसे शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप के हो, लेकिन तुम उस समय ये सारी बातें भूल जाते हो। कहीं ना कहीं तुम अपने आप को डेलिबरेटली लेबल कर देते हो, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, बस दुख भी हुआ लेकिन उसके बाद अपने आप को जज कर लिया, हम तो ऐसे ही हैं। भाई तो अगर तुम ऐसे ही हो तो क्यों मैं माथा फोड़ रही हूँ तुम लोगों के साथ। तुम अगर ऐसे ही हो और ऐसे ही रहने वाले हो, क्यों मैं गला फाड़ फाड़ के इतना बोल रही हूँ, क्यों समझा रही हूँ तुम्हें। मैं इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज आई बिलीव कि तुम चेंज हो सकते हो, इजंट इट। क्यों इतने सालों से, 10-10 सालों से बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये मालूम है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम ईश्वरीय जाति के हो, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन तुमने अपने आप बदलना नहीं है ना तुम्हें। देखो बदलने में ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, इसलिए तुम चौथे स्टेप पर आते आते क्या बोल देते हो, हम तो ऐसे ही हैं। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो। इसलिए तुम्हें चौथे स्टेप पर उस दोष से मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। ये मैं इस बार तुम्हें साधना पद के लिए पूरा पूरा तुम्हें ये दे रही हूँ कि किस तरह से तुम्हें साधना पद में बिहेव करना है। तुमने गलती से ज़्यादा द्रव्य खा लिए, दोष हो गया तुमसे। तुमने झूठ बोल दिया, दोष हो गया तुमसे। तुमसे नियम रह गया, आज का मौन का नियम रह गया मान लो, तो दोष हो गया तुमसे। तो ये दोष हुआ तो सबसे पहले दोष का दर्शन, फिर उसका स्वीकार, फिर उसका दुख पश्चाताप, और उसके बाद उससे मुक्त होने की इच्छा। डोंट से कि भाई हमारी तो ज़िंदगी ऐसी है कि मिस हो ही सकता है। अब जहाँ तुमने बोल दिया हमारी तो लाइफ इतनी बिजी है कि ये मिस हमारा मौन हो ही सकता है, तो मतलब तुम अपने उसको दोष मानते ही नहीं हो, तुम आउट हो गए गेम के अंदर। और जो बीच में आउट होता है वो कभी विनर बन सकता है क्या? नहीं। वी हैव टू विन दिस गेम ऑफ लाइफ, इजंट इट। और अगर तुम्हें गेम ऑफ लाइफ को जीतना है तो यू हैव टू डू द 7-step journey। ओके, नेक्स्ट पांचवा दोष का इकरार। देखो एक स्वीकार होता है, स्वीकार अपने से होता है, और इकरार हमेशा दूसरों से होता है, अपने से, हायर से। अब ये प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों में से कैसे भी हो सकता है, इनफैक्ट तुम स्मरण में भी कर सकते हो। तुम जहाँ हो ना वहीं स्मरण करो सद्गुरु का, क्योंकि कहा ना गुरु तो प्रेजेंस है, तो वो वहीं तुम्हारे को आके तुम उसके सामने इकरार करो कि प्रभु मेरे से ये गलती हो जाती है। यू ट्रस्ट मी, डू ट्रस्ट मी? हाँ, तो यू ट्रस्ट मी कि तुम एक दोष के साथ भी ये 7 step, ये 7 फेरे ले लोगे ना, तुम सच में अपने आप को इतना हल्का पाओगे, तुम्हें एक ना एक एम्पावरमेंट आ जाएगी, ओ आई कैन। एनीवे, दोष का इकरार किसके सामने? हायर, अपने से हायर। अब तुमको जो ऊंचा है मेरे से घर में, या मैं भयू के सामने कर लूँ, नहीं, तुम्हारे सदगुरु जिंदा है ना, तो बस उन्हीं का स्मरण आए
और उन्हीं के स्मरण से करो, और अगर ईमेल्स लिखनी है वैसे लिखो, वॉट एवर, लेकिन इकरार करो. और इकरार के बाद ना लर्न टू गिव सम टाइप ऑफ पनिशमेंट टू योर सेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी अगेन द डायरेक्ट कनेक्शन विद योर लिम्बिक ब्रेन, तुम्हारे इमोशनल ब्रेन के साथ इसका कनेक्शन है. द सेकेंड ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन याद है थोड़ा थोड़ा, सेकेंड ब्रेन जो होता है इमोशनल ब्रेन, जहाँ से सारे ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं, तो इसका कनेक्शन वहाँ है कि जब तुम अपने आप को पनिश करते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो ब्रेन इस चीज़ को रजिस्टर करता है और वो उस चीज़ से अपने आप को दूर रखता है हमेशा, जिस चीज़ के लिए भी तुम अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट में चले जाओगे. इसलिए पहले के जो लोग थे, मैं तो नहीं देती हूँ तुम्हें इतना प्रायश्चित, लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो खास प्रायश्चित करने को देते हैं तुम्हें कि तुम एक उपवास कर लो, एक एकाशना कर लो, अन्न का त्याग कर दो. मोस्टली ग्रॉस बॉडी पर ही ये सारी पनिशमेंट्स होती हैं. तो कुछ भी फूड एलिमेंट के साथ ये पनिशमेंट कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है. तुम ये नहीं कह सकते मैं एक घंटा स्वाध्याय ज़्यादा कर लूँ, एक घंटा मौन ज़्यादा ले लूँ, ये सब पनिशमेंट्स नहीं होती. तुम्हें अन्नमयी कोष पर कोई पनिशमेंट देनी है, यानी तुम ये कह सकते हो कि मैं आज रात्रि भोजन का त्याग कर लूँगा, या मैं चार दिन तक मिठाई नहीं खाऊंगी, या वॉट एवर यू लाइक. या अन्नमयी कोष पर है तो आज मैं 15 मिनट एक्सरसाइज ज़्यादा कर लूँगी, वॉट एवर. तुम्हें अपने अन्नमयी कोष के ऊपर पनिशमेंट देनी होती है. इसलिए ज्ञानी भी जब तुम्हें प्रायश्चित देते हैं तो तुम्हें उपवास आदि का प्रायश्चित देंगे, वो कभी तुम्हें सामयिक का प्रायश्चित नहीं देंगे, उपवास का प्रायश्चित देंगे. क्योंकि अन्नमयी कोष पर जब भी ग्रॉस बॉडी पर कोई भी पनिशमेंट ली जाती है तो तुम्हारा लिम्बिक ब्रेन उसको इमीडिएटली रजिस्टर करता है, और जिस चीज़ में तुमने इमोशनल वैल्यू डाल दी वो अपने आप तुम्हारे लिए ब्राइट होगी कि नहीं. अब मेरे को इस पेन में इमोशनल वैल्यू डली है तो ये पेन को मैं कितना संभालूंगी, एकदम संभालूंगी ना. लेकिन जिस चीज़ में मेरी इमोशनल वैल्यूज ही नहीं डली है उस चीज़ को मैं क्यों संभालूँ. इसी तरह अपनी इमोशनल वैल्यूज़ को डालो बाय टेकिंग सम और अदर सॉर्ट ऑफ प्रायश्चित. बहुत ज़रूरी है. क्या क्या बातें हुई? सबसे पहले दोष का दर्शन, दूसरा दोष का स्वीकार, तीसरा दोष का पश्चाताप, चौथा दोष से मुक्त होने की इच्छा, पांचवा दोष का इकरार, छठा दोष का प्रायश्चित. प्रायश्चित जो भी मैंने कहा अन्नमयी कोष के ऊपर, तुम कोई भी प्रायश्चित ले सकते हो. गुरु के पास जाओगे तो वो भी तुम्हें ऐसा ही कोई प्रायश्चित देंगे. और फाइनली सेवंथ, गुण प्रतिज्ञा. गुण प्रतिज्ञा कि तुमसे मान लो ना तू भूल गई, जैसे कृति तुम्हारी बात कर रहे हैं कि तुम भूल गई हो, तो भूलने का के सामने का गुण क्या होगा? जागृत. अब मैं याद रखूंगी. तो ये अंदर प्रतिज्ञा, आफ्टर प्रायश्चित ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ना मैं भूलूंगी नहीं, मैं आई मेक श्योर कि मैं इस चीज को, अपनी बात को ध्यान रखूंगी, याद रखूंगी, या किसी ने मुझे जो भी कहा है उसको मैं अच्छे से फॉलो करूंगी. दिस वर्क्स ऑन योर थर्ड ब्रेन सेरिबेलम, जो लास्ट ब्रेन है तुम्हारा, ये उसके ऊपर काम करती है. जो प्रतिज्ञा तुम खुद से लेते हो वो तुम्हारे थर्ड ब्रेन के अंदर जाती है. जो तुम इमोशनली जिन चीज़ों के साथ जुड़ते हो वो तुम्हारे सेकंड ब्रेन को एक्टिव करती है, और जहाँ तुम दर्शन करते हो उसका, एनालाइज करते हो, वो तुम्हारे नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है. ये सारे ब्रेन के साथ भी मैंने समझा दिए, बिकॉज आई हैव डन सो मच रिसर्च ऑन दीज थिंग्स. इतना मैंने पढ़ा है, समझा है, जीवन में प्रयोग किया है. आई एम सो क्लियर कि एक एक दोष के जो 7 स्टेप्स है तुम्हारे तीनों ब्रेन के मैकेनिज्म को चेंज करती है. और उससे भी पहले क्या चाहिए, ये दोष देखने वाला खोपड़ी तुम्हारा तब होगा जब तुम ज्ञानी के गुणों का विचार करो, विस्तार से विचार करो और उसके वेदन में प्रवेश करो. ये पूरी बात समझ में आती है? सो दिस इज अ 7 स्टेप जर्नी ऑफ दोष मुक्ति. अब भी अगर तुम दोषों से मुक्त नहीं होते तो किसकी गलती है? तुम्हारी अपनी. इतना तो खोल खोल कर दोषों पर कभी नहीं बताया होगा जितना मुझे लगता है मैं आज इस विषय को लेकर तुमसे इतनी बातें कर रही हूँ. सो जब भी जीवन में देखो, मुक्ति का सीधा सीधा उपाय है, मुक्त स्वरूप भीतर है लेकिन उस पर आवरण है दोषों का, isn't it? और वो दोष निकले तो मुक्त स्वरूप तो भीतर है ही है ना, कहाँ नहीं है.
जैसे ये है हाथ, इसको शॉल में मैंने ढक लिया, हाथ कहाँ है? है ना, हाथ कहीं बाहर से तो नहीं लाना, खाली ये ऊपर के दोष के जो आवरण है ना, खाली इस शॉल को हटाना है, ये हाथ दिख गया। इसी तरह ईश्वरीय तत्व तुम्हारे भीतर है, लेकिन उस ईश्वरीय तत्व को अनुभव करने के लिए ऊपर जो दोष की मलिनता है ना, इसको हटाना है, दैट्स इट। अज्ञान हटने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है दोषों को हटाने में, और उसके लिए आज ये 7 स्टेप जर्नी बताई। इज दिस क्लियर? तुम 5 महीने इस तरह जीवन जी सकते हो, और मैंने कहा केवल एक के साथ भी तुम ये 7 फेरे ले लो ना, एक के साथ ही लेते हैं हमारी संस्कृति में, तो 2-4 के साथ थोड़ी फेरे लेते हैं, एक के साथ ही अगर ये फेरे ले लिए तो अपने आप ही तुम फील करोगे, यू आर सो एम्पावर्ड, कि हर दोष को हटाने की शक्ति तुम में आ गई है, तुम्हें भीतर से ही लगेगा।